नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली है पुष्कर के नए मेले मैदान के बारे में। यहाँ आपको जानकारी मिलेगी पशुपालक कितने खुश हैं यहाँ की सुविधा के बारे में, यहाँ क्या क्या सुविधा मिल रही हैं, यहाँ के होटल्स, यहाँ की रोड, बिजली पानी की सुविधा, आसमान से पुष्कर मेले मैदान का नज़ारा कि कहाँ कहाँ पर टेंट लगे हुए हैं। तो बने रहिए संजीव कुमार गुप्ता चैनल के साथ, जो आपके दिल को दे घोड़ों का जोश और दिमाग को दे घोड़ों की जानकारी। गलत तो तो दोस्तों, हम आए यहाँ पर, ये टेंट है, क्या नाम है टेंट का? सही है, टेंट हाउस। यहाँ पर ये जयपुर से आए हैं, आप भी घूमने वाले? जयपुर से आए हैं, और इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर इनको कैसा लग रहा है नए मेले मैदान में, और इनकी क्या इच्छाएं हैं और इनकी क्या आशाएं हैं। ये घोड़े वाले जिनके लिए मैदान अशपथवी की शान ग्रुप ने तैयार करवाया है, हम उनको सलामी देते हैं कि उन्होंने भविष्य को देखते हुए यहाँ पर ये मेला मैदान तैयार करवाया अपने अथक प्रयासों से। आपका नाम बताएं। जोरी जोरी जोरी, आप जयपुर से आए हैं? जयपुर। कब से आ रहे हैं आप पुष्कर में? बजब आज हाँ जी भाई साहब, कब से आ रहे हैं आप पुष्कर में? 40 साल हो गई हमारे पास। 40 साल हो गए। 40 साल लगातार हो गई, रोज 40 साल, हर साल आता हूँ, कई साल नहीं आया मेरा। हाँ हाँ, नहीं देख रहे हैं, खाली खाली देख रहे हैं, 40 साल हो गए। तो आप बताएं कि यहाँ पर आप आए हैं तो वो मेला मैदान ज्यादा अच्छा पुराना है या ज्यादा अच्छा है? और सब चीज की सही व्यवस्था है यहाँ, सही व्यवस्था है, जानवर भी सही आएगा। वहाँ पे गंदगी रहती थी, भीड़ भड़ का रहता था, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी रात बिरात। यहाँ है एक तो लाइट का हो जाए, पर एक पानी का हो जाए, पानी का हो जाए, तो यहाँ बहुत बढ़िया है। अलग से बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत बढ़िया सुविधा है, बहुत बढ़िया सुविधा। आप बताएं, आपको इनके साथ ही अलग है? ओके, तो आपको ये मैदान कैसा लगा है? बहुत अच्छा है मैदान। ओके, सुविधा पानी और बिजली, बिजली की बस। तो आपको क्या उम्मीद है कि क्या इतना जब हो गया तो पानी बिजली की सुविधा हो जाएगी? अब ये तो सरकार तो करनी चाहिए, तो करनी चाहिए, जब तो हम आए आए हैं, करेगी सरकार, तो करेगी सरकार, करेगी पानी, करेगी करेगी, बिल्कुल करेगी सर, जितना हो गया है जरूर करेगी। और अगर मान लो कि यहाँ पर सुविधा हो जाती है तो क्या आपका ये इच्छा रहेगी आप वापस पुराने मेले मैदान में जाएं? नहीं नहीं, ये रहेगा अच्छा, वहाँ नहीं जाएगा कोई, यहाँ जो व्यवस्था होगी ना ऐसे, जब तो ठीक है, आईना वहाँ नहीं जाए, मगर ये सब सीधा हो जाएगा, सही हो जाएगा, बहुत अच्छा जम जाएगा, बहुत अच्छा जम जाएगा, ना हो जाएगा, ये दूर भी रहना जरूरी है। ये अशपथवी की शान ग्रुप ने सबसे पहले तो पशु मेला को शुरू करवाया, फिर उन्होंने जगह को भी चेंज करवाया उसी ग्रुप ने, अब अगला स्टेप है उनका कि यहाँ पर सुविधाएं विकसित करना। अच्छा, तो सुविधाएं भी विकसित हो जाएंगी जब दो चरण हमने पूरे कर चुके हैं, दो कदम चल चुके हैं, तीसरा कदम बहुत इजी है। लाइट और पानी कोई बड़ी बात नहीं है, बस लाइट पानी की है ना, ये क्योंकि अभी ज्यादा घोड़े वाले आए नहीं है, आ जाएगा है ना, नहीं आ जाएंगे, अभी नहीं आए हैं, तो जब आएंगे देखो, आप लोगों को पहले टेंट लगाना है, टेंट की जगह पहले चाहिए, सही है, टेंट लगाने तो आए है ना, है ना, है ना, उसमें कोई लाइट और पानी की ऐसी व्यवस्था कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, परंतु जब जरूरत पड़ेगी घोड़े वाले आएंगे, लोग आएंगे तो वो भी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि अंधेरे में काम हो, कोई नहीं चाहता कि भाई बिना पानी के काम हो, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं, सरकार भी नहीं चाहेगी, है ना, तो ये भी हो जाएगा साहब, हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, धन्यवाद। अगर ये ऐसा होता है, पानी और बिजली की लाइट सुविधा होती है, इस ग्रुप को भी धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है, सरकार को भी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दे दिया तो बहुत बढ़िया क्रिया, अच्छा जगह, अच्छी जगह, अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी जगह, थैंक यू भैया। ये गुजरात से आए हैं, क्या नाम आपका? जील व्यास। जील व्यास, जील व्यास जी, आप यहाँ पर पुष्कर मेला मैदान में अपना टेंट बुक कराने आए हैं? जी जी। तो आप पहले भी पुष्कर आए थे क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए आप? ओके, तो फिर आपसे मैं ये भी नहीं पूछा था कि वहाँ के मेले और यहाँ के ग्राउंड में क्या नहीं, फर्क नहीं, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट। चलिए, यहाँ पर आपको ये ग्रुप मिले, इनसे आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, सबका सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। और ये जगह आपको कैसी लगी है? नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, आपका घोड़ा कौन सा, क्या नाम है? शिव सुंदर। शिव सुंदर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके भैया, थैंक यू भैया। बस, आप क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? जी, गायों के लिए पानी पाइपलाइन लगा रहे हैं। और कैसे, मतलब यहाँ पर पाइप कहाँ से कहाँ है? पाइप है, उसको निकाल रहे हैं हम, और इसके अंदर नया सिटिंग रहेंगे। अच्छा, इसमें डालोगे? हाँ। ओके ओके।
बहुत अच्छा। तो वो जो नल जो पाइप आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? आया हुआ है, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है पाइप, प्लांट से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, वाटर वर्क से आ रहा है, वाटर वर्क से आ रहा है। ओके, थैंक यू। वो पड़ा है, वो खड़ा करके हाइड्रेन। अच्छा, कितनी खेली है बॉस यहाँ पर? यहाँ तो इसमें तो आठ, इसमें आठ खेलिया और उधर 15-20 पीछे वो अंदर। अच्छा, उधर भी है? हाँ, उधर भी है। ओके ओके। तो दोस्तों ये देखिए, ये है पुष्कर पशु मेले का नया ग्राउंड, हम ऊपर से देख रहे हैं। ये जो आपको लाल तीर का निशान दिख रहा है, ये है इसकी एंट्री, और जो बीच में नीले कलर का जो तीर का निशान है वो है छतरी। इस छतरी से हम लेफ्ट राइट आगे पीछे सारा जो नज़ारा हम आसमान से और ज़मीन से देखेंगे। पुराने पुष्कर मेले मैदान से नए पुष्कर मेला मैदान करीब 1 किलोमीटर दूर है। ये है सामने की छतरी, और इस छतरी के ये इधर रोड आ रही है पुष्कर के पुराने मैदान से, और ये रोड जा रही है मोतीसर गांव, ईश्वर मार्ग मोतीसर रोड। ये है नए मेले मैदान का पता। अब हम इस नए मेला ग्राउंड के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये एंट्री का रोड है, सामने सावित्री मंदिर दिख रहा है, और ये दोनों तरफ टेंट लगे हुए हैं। उल्टे हाथ की तरफ अभी टेंट वालों के टेंट लगे हैं, मगर अब यहाँ पर प्रशासनिक टेंट लगेंगे। ये है छतरी के सामने की तरफ का हिस्सा, ये है एंट्री, और ये है खेली है, यहाँ पर खूब खेलियाँ हैं, बनी हुई हैं, और ये सामने का हिस्सा है, पूरा रोड है सामने मोतीसर रोड। पुष्कर मेले मैदान के सामने ही रिसाला रिसोर्ट है, ऊपर आई बटन आ रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उस रिसाला होटल के कमरे और अंदर की जो सुविधाएं हैं वो आपको इस वीडियो में नज़र आएंगी। अब देखते हैं हम इस मैदान के सीधे हाथ वाला हिस्सा, यहाँ पर भी टेंट के बल्लियाँ खड़ी हो गई हैं, बहुत अच्छा सा दृश्य दिख रहा है, कई लोगों ने टेंट यहाँ पर बुक करा लिए हैं। अच्छी घोड़े के लिए अच्छी सी ज़मीन है, बालू रेत जिसको पुष्कर की मिट्टी कहते हैं, सामने पहाड़ है, और वो सामने सावित्री मंदिर, और ये ट्रैक्टर ज़मीन को लेवल करता हुआ, और ये मैं, ये सीधे राइट हैंड साइड का हिस्सा, ये देखिए 360 डिग्री व्यू। छतरी के उल्टी हाथ यानी कि लेफ्ट साइड का हिस्सा, एक आपसे इंटरव्यू लेना था 2 मिनट का। क्या नाम आपका? मेरा नाम हसन। हसन जी, हसन जी एमडी टेंट हाउस आपका ही है? हाँ, हमारे। ओके। तो में से कई लोग पूछ रहे हैं फोन नंबर आपका, तो आप मुझे फोन नंबर जरा बताएं। मेरे मोबाइल नंबर है 9929888625। तो कैसे आप करेंगे अगर टेंट का लगाने का होगा तो? वो आएंगे अपनी जगह सब करके हमें बताएंगे, हम लगा देंगे टेंट। Okay. किस तरीके का चाहिए, उस क्वालिटी का लगा देते हैं। ओके। Okay. तो ऐसे ऑनलाइन आप फोन पे नहीं बता सकते? नहीं, फोन पे नहीं, उनको यहाँ जगह नहीं है ना। हाँ हाँ, इसलिए पहले वाली जगह पर तो सबका ठिकाना पता था भाई। हाँ, अब नई जगह हो गई तो नहीं भाई, आओ देखो जगह साफ करवाओ फिर लगाए। ओके। अब तक कितने टेंट आप लगा चुके हैं? अब तक लग गए 40-50 टेंट। कोई स्थान बताएंगे कौन से सिटी से? या हमें बालोतरा बाड़मेर जिले से। टेंट वाले टेंट का तो बता, कौन सा टेंट? मतलब जो भी टेंट है कौन से सिटी से? ये सब यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र के भी? महाराष्ट्र। ओके ओके ओके।
मतलब क्या नाम है आपके टेंट का? सकुन टेंट है उसे सर। ओके, तो फोन नंबर बताएं आपको कोई टेंट लगवाना चाहे तो। मेरा नंबर 94-60-529-308। 308। हाँ जी, सकुन टेंट है उस नागौर पुष्कर मेले में आए हुए कोई घोड़े घोड़े व्यापारियों के टेंट वेंट लगाने के लिए। ओके, आपको ये जगह ज़्यादा अच्छी लगी है वो जगह ज़्यादा अच्छी? जैसे अभी की पोजीशन में ये जगह हाल की घड़ी तो ठीक ठीक लग रही है भाई साहब। आने वाले टाइम में अगर ये जगह प्रशासन इस पे ध्यान देगा या अपन लोग सब भाई लोग ध्यान देंगे तो मेला अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब तक कितने टेंट आप लगा चुके हो? हम तो अभी करीब 20 एक पंडाल बुक कर चुके। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू भैया।